भारतीय वायुसेना के लापता विमान AN-32 के मलबे की पहली तस्वीर सामने आ गई है। तस्वीर में घने जंगलों के बीच विमान का मलबा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वायुसेना की टीम ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान AN-32 के टुकड़ों को अरुणाचल प्रदेश के लीपो नाम की जगह से 16 किलोमीटर उत्तर में देखा है। फिलहाल वायुसेना का दल विमान के मलबों की जाँच कर रहा है, जिसके मद्देनजर एयरफोर्स ने अब सर्च ऑपरेशन का दायरा भी बढ़ा दिया है। इससे पहले आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से उस इलाके का नक्शा जारी किया गया है जहां AN-32 विमान का मलबा मिला है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी नक्शे में AN-32 विमान के क्रैश साइट को साफ देखा जा सकता है। वायुसेना के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार शाम मलबा दिखाई देने के बाद ही सेना ने मलबे वाले स्थान पर चीता और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को उतारने का प्रयास किया था, लेकिन घने पहाड़ी जंगल होने के चलते हेलीकॉप्टर को वहां नहीं उतारा जा सका। हालांकि मंगलवार देर शाम तक वायुसेना ने एक जगह को चिन्हित किया। आपको बता दें, 13 लोगों के साथ AN-32 मालवाहक विमान ने 3 जून की दोपहर 12:27 पर असम के जोरहाट से उड़ान भरी थी और 1 बजे उनका संपर्क टूट गया था। पिछले 8 दिनों से AN-32 गायब था और भारतीय वायुसेना खोजने में जुटी थी। वायुसेना ने इस विमान की खोज के लिए इसरो तक की मदद ली। तलाशी अभियान में विशेष ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट C-130, AN-32S, MI-17 हेलीकॉप्टर और थल सेना के कई आधुनिक हेलीकॉप्टर शामिल थे। AN-32 को खोजने में लगे C-130J नेवी का P-8I खोई जैसे विमान दिन रात बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर रहे थे। भारतीय वायुसेना का कहना था कि क्रैश की संभावित जगह से इंफ्रारेड और लोकेटर ट्रांसमीटर के संकेतों को विशेषज्ञ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों और टेक्निकल सिग्नल के आधार पर कुछ खास बिंदुओं पर कम ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर ले जाए जा रहे थे, लेकिन ऊपर से महज इतना हो पा रहा था कि वो बस जमीनी तलाशी टीम के साथ तालमेल बना पा रहे थे, जिसके चलते तलाशी अभियान में कई दिन का समय चला गया।